स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस यानी आप अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं या रेटिना का इस्तेमाल करते हैं आधार कार्ड से बायोमेट्रिक के थ्रू लॉगिन करने का, जब भी आप अपने मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीदने जाते होंगे या कहीं ऐसा कोई बायोमेट्रिक अगर आपको कुछ थंब प्रिंट या रेटिना का स्कैनिंग करना है तो उस समय एक एरर आती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी जो आधार कार्ड है वो लॉक हो चुकी है। आपको कुछ इस तरह से जो है डिस्प्ले आती है कि आपको जैसे सिम कार्ड खरीद रहे हैं तो उसमें ये एरर मैसेज थ्रो होती है कि आपकी जो आधार कार्ड है वो ब्लॉक हो चुकी है, यूजर के द्वारा ये आधार कार्ड ब्लॉक किया गया है, इसे आप अनलॉक करें तब जाके आप आधार कार्ड का जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप आधार कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं या इसे आप अनलॉक परमानेंटली कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लैब में। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं एक सिम परचेज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे ही कस्टमर आधार ईकेवाईसी के लिए मैं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करूँगा जो हमारे आधार कार्ड को जो है ऑथेंटिकेट करेगी, और यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक से अगर मैं स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आती है जो आपको बताती है कि बायोमेट्रिक के द्वारा जो है आपकी आधार कार्ड होल्डर का जो कार्ड है, जो आधार है, वो ब्लॉक हो चुकी है। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर। गूगल पे जाने हैं और यहाँ पे आपको लिखने हैं UIDAI आधार कार्ड अनलॉक। ओके, आधार अनलॉक को जब आप ओपन करेंगे पहला लिंक ही आपको जो है ओपन करने हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार रिट्राई पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है पोर्टल आधार की वो खुल जाएगी, और यहाँ पे आपको तीन चीज़ें जो है फिलअप करने हैं जिसमें से दो चीज़ें आपको सबसे पहले फिलअप करने हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको जो है जो आपको आधार कार्ड की जो आईडी है, आईडी नंबर या वर्चुअल आईडी की जो नंबर है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। जैसे हमारे केस में हमारा ये आधार कार्ड का नंबर, आप VID भी पुट कर सकते हैं वर्चुअल आईडी, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रही है वो कैप्चा कोड जो है आपको फिल करना है, और जैसे ही आप फिल करेंगे सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए जो रजिस्टर्ड नंबर होंगे उस पे एक OTP जाएगी, OTP मैसेज, जिसमें आपको वन टाइम पासवर्ड जो तीसरा बॉक्स है उसमें आपको पुटअप करने हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड का जो है वेट करना पड़ेगा, जैसे ही जो OTP अगर आपको रिसीव हो जाती है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो उस आधार कार्ड से लिंक है, उस OTP को आप यहाँ पे पुटअप करें। तो देखिए यहाँ पे जब आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हो सकती है कि वो नंबर टाइप ना हो, हमारे केस में यहाँ पे टाइप नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँगा OTP को कॉपी कर लूँगा, OTP नंबर को। ओके, जैसे ही मैं नंबर को कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और जैसे ही पेस्ट करूँगा यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो आधार कार्ड है उसकी पोर्टल खुल जाएगी जहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आधार कार्ड अनलॉक वाले। ओके, देखिए यहाँ पे, ओके, ये पोर्टल में आप लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी वाइज आपको ये कैप्चा कोड इंटर करने हैं 9928 जो भी आपका कैप्चा कोड होगा आपके केस में। यहाँ पे अनलॉक और डिसेबल दो ऑप्शन आ रही है, तो मैं यहाँ पे अनलॉक की तरफ जाऊँगा। अगर आप डिसेबल करते हैं तो आपकी जो आधार है वो परमानेंटली जो है अनलॉक हो जाएगी, यानी कभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लॉक नहीं रहेगी, ब्लॉक नहीं रहेगी। अगर आप अनलॉक करते हैं तो आपकी जो आधार कार्ड है वो 10 मिनट के लिए जो है अनलॉक होंगी। ओके, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक जो है फिर से लॉक हो जाएगी। तो मैं हमेशा अनलॉक करता हूँ, जब भी अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ उस समय मैं उसे अनलॉक करता हूँ और फिर वो 10 मिनट के लिए जो है अनलॉक हो जाती है। जैसा कि आपके पास मैसेज आई है योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक, तो अब आप अपने बायोमेट्रिक के जो फिंगरप्रिंट है या रेटिना स्कैनिंग है उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी समय अगर आपको आधार की ज़रूरत है तो आप इस आधार पोर्टल पे लॉगिन कर आप अपने आधार को अनलॉक कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए ये जो है अनलॉक होंगी, और अब मैं दोबारा से अगर मैं सिम परचेज करता हूँ या किसी भी तरह का ऐसा डिवाइस जहाँ पर आपको अपने आधार से ऑथेंटिकेट करने हैं, तो जैसे ही आप अपने यहाँ पे एजेंट जो है वो अपना आधार कार्ड जो है अपने आधार को वो ऑथेंटिकेट किया, दूसरे स्टेज में जो है आप कस्टमर का जो है आधार जो है वेरीफाई करते हैं, आधार आईडी जैसे ही मैं जो कि पहले नहीं ले रही थी ब्लॉक बता रही थी, इस टाइम मैं
10 मिनट के लिए अपने आधार को अनलॉक किया हूँ और आपको 10 मिनट के अंदर यहाँ पे सिम परचेज कर लेने हैं या ऐसा कोई भी काम जो आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करवाने हैं तो आपको 10 मिनट के अंदर वो काम कर लेने हैं, नहीं तो आप डिसेबल करके रखें जो आपको परमानेंटली आपके आधार को अनलॉक रखेगी। लेकिन मैं सिक्योरिटी फीचर का यूज करता हूँ, मैं अपने आधार को हमेशा लॉक रखता हूँ, जब मुझे यूज करने होते हैं तो मैं आधार कार्ड पोर्टल पर लॉग इन कर मैं उस आधार को 10 मिनट के लिए अनलॉक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुकी है, ओके, देन आप जो है सिम परचेज कर सकते हैं या ऐसा कोई भी डिवाइस जो आप जहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट हो रही है उसे आप यूज इस्तेमाल में ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।